बिहार सरकार द्वारा सभी कार्मिकों का स्थानांतरण पॉलिसी जारी की गई है जो करीब एक महीने में सुझाव देगी। इस स्थानांतरण पॉलिसी में उड़ीसा का मॉडल लागू किया गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या ये जुमला साबित होगा या वास्तव में ही स्थानांतरण पॉलिसी लागू होगी। अगर बात करें तो 92-93 से बोरदिया समिति लागू हुई, उसके उसके बाद हर सरकार अपनी कमेटी गठित करती रही। कभी उन्होंने कहा तमिलनाडु मॉडल लेकर आएंगे, कभी आंध्र प्रदेश मॉडल लेकर आएंगे, कभी कहा पंजाब मॉडल लेकर आएंगे। अब ये सरकार कह रही है हम उड़ीसा मॉडल लेकर आएंगे। गत सरकार ने भी ओमकार सिंह की समिति के अध्यक्षता में एक स्थानांतर पॉलिसी लेकर आई, लेकिन वह सरकार लागू नहीं कर पाई। अगर बात करें बीजेपी सरकार की बात करें तो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जिसका पूर्ण प्रारूप भी तैयार हो गया था, लेकिन स्थानांतरण पॉलिसी लागू नहीं हो पाई। अब ये सरकार उड़ीसा की पॉलिसी लेके आई है तो कर्मचारियों में संदेह है कि पूर्व की भांति अगर बात करें तो करीब 30 सालों से स्थानांतरण पॉलिसी की बात हो रही है लेकिन लागू नहीं हो रही। क्या ये पॉलिसी लागू होगी ये हमारे देखने का विषय है। अब सरकार ने इसमें सुझाव मांगे हैं, एक महीने का समय दिया है। सभी कर्मचारी संगठनों की ओर से हम सुझाव प्रेषित करेंगे, जो इसमें सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसके अनुरूप सुझाव देंगे। फिर भी मन में सभी कर्मचारियों में संदेह क्या सरकार पॉलिसी लेके आएगी। अगर बात करें शिक्षकों की, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर 10 वर्ष से नहीं खुले हुए हैं, टीएसपी क्षेत्र के ट्रांसफर नहीं खुले हुए हैं, तो अब ये देखने का विषय है सरकार स्थानांतरण पॉलिसी लेके आती है या ये भी जुमला साबित होती है। अगर मई जून में सरकार स्थानांतरण खोलेगी तो निश्चित रूप से सभी संगठन कर्मचारी संगठन मिलकर सरकार से इस बात की मांग करेंगे कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले जो नहीं हुए हैं वो भी स्थानांतरण पॉलिसी लागू हो। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जुमला साबित नहीं हो और वास्तव में ये धरातल पर कार्य हो तो ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा।